हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 कर रहे हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम जिस नोट्स से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। तो यूनिट 2 के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायूरेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि डायूरेटिक्स क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, हमारा जो किडनी है ये मेजर काम करता है यूरिनरी सिस्टम का, और ये किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, जो किडनी के अंदर काम करने वाली यूनिट है, उसका नाम है नेफ्रॉन। अब यूरिनरी सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई, हमें पता है एक्सक्रीशन के लिए, इसके बाद हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, नेफ्रेटिक सिंड्रोम एंड किरोसिस, नेफ्रेटिक किरोसिस, इन सभी जगह पर इम्पॉर्टेंट होता है यूरिनरी सिस्टम। तो डायूरेटिक्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल एजेंट्स आप बोल सकते हो जो कि यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं, सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट कर देते हैं, और साथ में जो बॉडी की क्लिनिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी यूरिन फ्लो हो रहा है उसके वॉल्यूम को या उसके कॉम्पोजिशन को एडजस्ट करने का भी काम करते हैं। तो डायूरेटिक्स जो हैं वो हमारे लिए एक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं, ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो यूरिन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब जो नॉर्मल फ्लूइड का जो फिल्ट्रेशन है ह्यूमन बॉडी में वो अराउंड 180 लीटर्स का होता है, जिसमें से 1.5 लीटर यूरिन जो है वो 24 आवर्स में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए, अगर हम अपने डायूरेटिक ड्रग्स की बात करें तो डायूरेटिक ड्रग्स जो हैं वो प्राइमरली, मतलब स्टार्टिंग में ही इनहिबिट करते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन को, ट्यूब्यूल्स में जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करते हैं और डिक्रीज करते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन को, जिससे यूरिन का जो आउटपुट है वो डबल हो जाता है। जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन, वो यूरिन के प्रिपरेशन में, यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और नेफ्रॉन के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल। अब जैसे सपोज ब्लड पहुंचा ग्लोमेरुलर में, तो वहां पर एक बोमेन कैप्सूल होता है और उस बोमेन कैप्सूल से फिल्ट्रेशन होता है। जब फिल्ट्रेशन हो गया तो फिल्ट्रेटेड पार्ट जो है, फिल्ट्रेट, वो पहुंच जाता है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, जहां पर इस प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है सोडियम का, क्लोराइड का, कैल्शियम आयन का, इनके अलावा बाइकार्बोनेट्स आयन का, और साथ ही साथ आपका फॉस्फेट आयन्स का भी, साथ में अमीनो एसिड या ऐसा प्रोटीन जो लो मॉलिक्यूलर वेट का है LMW, वो यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इस रीएब्जॉर्प्शन के बाद आगे जो फिल्ट्रेट पहुँचता है वो एरिया होता है लूप ऑफ फेनले। यहाँ पर अगेन जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट होता है, बिकॉज जो सोडियम क्लोराइड ये सब थे वो तो रीअब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब इसके बाद एक और दूसरा साइड जहाँ पर सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पहले वाला प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड था, ये डिजिट डिस्टल है ना, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, कैटायन एक्सचेंज का प्रोसेस होगा और रिमेनिंग सोडियम जो है वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो एल्डोस्टेरॉन के कंट्रोल में होती है। साथ ही साथ जब लास्ट और फाइनल साइड जहां सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज नोन एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और जब सोडियम आयन जो हैं वो रीनल ट्यूब्यूल फ्लूइड से एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ पर लेसर एक्सटेंट में हाइड्रोजन आयन जो है वो ब्लड से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके बाद में नॉर्मली जो ट्यूब्यूल है वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है लगभग 90% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को। रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग फिल्ट्रेट जो है वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस से होते हुए ब्लैडर के पास पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास, और वहाँ से फिर वो यूरिन के फॉर्म पर बॉडी से
एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जैसे अगर अपन डायूरेटिक ड्रग्स की बात करें तो इनका दो मेजर क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है मर्क्यूरल, दूसरा होता है नॉन मर्क्यूरल। मर्क्यूरल के अंदर आता है मरकैप्टोपेरिन। नॉन मर्क्यूरल इज नाउ फर्दर सब डिवाइडेड। नॉन मर्क्यूरल जो है उसको और डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट पार्ट होता है थायाजाइड, इसका एग्जाम्पल हुआ क्लोरथायाजाइड। नेक्स्ट है हाइड्रोथायाजाइड, दैट इज साइक्लोथायाजाइड। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, दैट इज एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड, मेटोलाजोन। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरॉन, इट इज एग्जाम्पलीफाइड विथ स्पायरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जैसे इथाक्राइनिक एसिड। फिर सल्फोनामाइल बेंजोइक एसिड, फ्यूरोजेमाइड एंड टेरिडीन डेरिवेटिव, जैसे कि आपका जो भी अमीनो एसिड्स वाले ड्रग होते हैं और स्पेशली एमिलोराइड्स। फिर इसके बाद इसका और पार्ट है, दैट इज प्यूरीन डेरिवेटिव्स, एग्जाम्पल केफीन। नेक्स्ट ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जैसे आइसोसोरबाइड। एसिडिक डायूरेटिक, अमोनियम क्लोराइड। यूरिकोसो यूरिक डायूरेटिक, इंडाक्रिनिनोन। एंड मिसलेनियस ड्रग्स, दैट इज म्यूकाजोलिमाइन। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सार करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।